करते हैं, ज्यादा ज्यादा वो बोलते नहीं है बॉलर्स को, मैं सबको तो किया ही है आउट, चाहे सचिन पाजी हो गए, जिनकी वजह से वो टीम चल रही है। आप दूसरा सीजन कैसा खेलते हो? तो दोस्तों आज मैं आपको इंडियन टीम के एक ऐसे क्रिकेटर से मिलाने वाला हूं जो कि दोस्तों इंडियन टीम के फास्ट बॉलर हैं और अभी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं दीपक चहर जी की। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के लास्ट सीज़न ख़त्म होने से पहले मुझे मौका मिला दीपक चहर जी से बात करने का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बिग फैन परसों का मैच में सर, मजा ही आ गया देख के। थैंक यू सो मच। आपका जो सुरेश रैना जी के साथ लास्ट में आप जब कमेंट्री कर रहे थे अपने ही ऊपर अच्छा देखा, वो भी देखा क्या तुमने? क्या जी जी नाम बिल्कुल, है अभी तुम्हारा? प्रियम, प्रियम। यस सर, प्रियम नाम है मेरा। सर मैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज अ बॉलर सर कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जब हम बॉल डालते हैं, तो सर क्या प्रेशर रहता है जब लास्ट में कि हाँ भाई इसको रन नहीं पिटवाने ज्यादा, कैसे चीजें करनी है, तो सर क्या कैसे उसको आप ओवरकम करते हो? प्रेशर तो गेम में स्टार्टिंग से ही है, मतलब आप जब T20 खेल रहे हो या कोई भी बड़ा इंटरनेशनल गेम या आईपीएल गेम खेल रहे हो तो जी प्रेशर तो हर किसी पे होता है, बैट्समैन पे भी होता है रन बनाने का, बॉलर पे भी होता है रन ना देने का और विकेट लेने का। तो जी सर जो लोग परफॉर्म कर पाते हैं रेगुलरली, जी वो लोग उन सब लोगों में खासियत होती है कि वो प्रेशर को हैंडल करने की। अगर आप वो खासियत नहीं होगी, वो मेंटेलिटी नहीं होगी वो प्रेशर हैंडल करने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंसिस्टेंटली वहां परफॉर्म कर सकता है। एक आध मैच में हो सकता है किसी का दिन अच्छा हो, विकेट मिल जाए या रन बना दे, बट अगर कोई कंसिस्टेंटली उस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में या इंडियन टीम में, तो वो उस प्रेशर को हैंडल करने आता है उस प्लेयर को। और वो मेंटल लेवल होता है हर आदमी का, कैसे वो ओवरकम करता है उस प्रेशर को, वो हर आदमी का खुद की अपनी स्किल होती है कैसे करता है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे सर MS धोनी के लिए सर पहली बात तो दिल से रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल की। और मैं ये जानना चाहता हूँ, काफी लोगों का भी ये क्वेश्चन रहता है कि जब टीम को लास्ट में जरा जरूरत होती है कि कैसे मैनेजमेंट की जाए, तो सर वो क्या एडवाइस देते हैं MS धोनी सर आप लोगों को? वो हर सिचुएशन में अलग एडवाइस होती है ऑब्वियसली, और हर बॉलर को उसकी स्किल के हिसाब से बताते हैं कि क्या ये वाली बॉल ज्यादा सही रहेगी या ये विकेट ऐसा है इसमें ऐसी बॉल डालनी चाहिए। वो हमेशा नहीं देते हैं, बट बहुत क्रूशियल, जब जब उनको लगता है कि अब उनको बोलना जरूरी है जी कोई, मतलब आप बेसिक जब गलतियां करने लग जाते हो तब वो बोलते हैं। ज्यादा ज्यादा वो बोलते नहीं है बॉलर्स को, कि वो चाहते हैं कि बॉलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, बट जब उनको लगता है कि सिंपल चीजें भी कोई गलत कर रहा है, जहां पर विकेट पे सपोर्ट है तो भी आपको उसे गुड लेंथ पे ही फेंकनी है ये, या फिर कोई पर्टिकुलर बैट्समैन को अगर लगता है कि यार ये ज्यादा यहाँ भी क्या है बॉलर वाले बॉल नहीं फेंक रहा है, तो जी वो ज्यादा बोलते हैं। नहीं तो जनरली वो अपने बॉलर्स पे पूरा, बॉलर्स पे बैट्समैन पूरा भरोसा दिखाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो खुद ही वो करे, बट वो कभी कभी होता है जब उनको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब वो आके एडवाइस देते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और सर मेरा एक सर ये पर्सनल मेरा क्वेश्चन है कि सर वो कौन से आपके फेवरेट या ड्रीम बैट्समैन है जिनको आप आउट करना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट बैट्समैन नहीं है कि जी जिसको मैं आउट करना चाहूँ, ऑलमोस्ट मैं सबको तो किया ही है आउट, और बाकी काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट मैं नहीं खेला हूँ। अब जी जिनके खेला नहीं उनको खेल भी नहीं सकता है, सचिन पाजी हो गए या फिर जी इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए उनके जो जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है। बट हाँ हमेशा मेरा रहता है कि अगर किसी टीम में जिसके साथ हमारा मैच है उसमें अगर एक या दो मेन प्लेयर जी उनको आउट करने की मैं कोशिश करता हूँ कि जिससे टीम को फायदा हो रहा है। मैं मतलब हमेशा ऐसा होगा कि सामने वाली टीम में एक दो प्लेयर ऐसे तो मेन होते हैं, जैसे आरसीबी में विराट फैफ जो अभी अच्छा कर रहे हैं वो मेन उनके प्लेयर्स थे। अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करो तो रोहित भैया और सूर्य कुमार यादव वो मेन प्लेयर हैं जो रन, तो हर हर टीम में मेन प्लेयर होते हैं। तो मेरा जब भी मैच खेलने जाता हूँ यही रहता है कि वो जो मेन प्लेयर में से अगर मैं एक भी दो मेन प्लेयर एक भी आउट कर पाऊँ तो टीम को फायदा रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर जैसे कि हमने इस टाटा IPL देखा सर, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी सर टीम से हो, तो सर उनके लिए क्या विजन रखते हैं आप सर, मतलब कैसे उनको देखा जा सकता है? काफी काफी लोगों ने अच्छी बॉलिंग की है, काफी लोगों ने अच्छी बैटिंग भी की है यंगस्टर्स ने। हमेशा यंगस्टर्स का एक ही जो एडवाइस मैं दूंगा या मैं देखना चाहूंगा यंगस्टर्स का कि आप दूसरा सीजन कैसा खेलते हो। हमेशा क्या है, कभी कभी पहला सीजन में आपकी स्ट्रेंथ दूसरी टीमों को नहीं मालूम बैटिंग में या बॉलिंग में, नेक्स्ट ईयर आपकी तैयारी करके आते हैं, और कुछ यंगस्टर्स को थोड़ा सा इजीली ले लग जाते हैं क्रिकेट को कि हाँ एक बार तो हो गया, फिर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मतलब उतना कम
ध्यान देते हैं क्रिकेट में, बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो यंग यंग एज में काफी होता है, और काफी लोग गुजरते हैं उस चीज से। तो यही देखने वाली बात ये होती है कि नेक्स्ट ईयर कौन कैसा परफॉर्म करता है, कौन कितना वापस उतना ही फोकस रखता है अपनी क्रिकेट में, वो एक एडवाइस भी कहूंगा और देखने वाली चीज भी है कि सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, जी और बिल्कुल कितना वापस उतनी मेहनत करनी जितना पहले करते थे, बिल्कुल बिल्कुल और इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगले साल जो आप कर रहे थे उसके लिए सब तैयारी करके आएंगे। जी सर, बिल्कुल मेरा सवाल है आपसे कि आप TFG पे खेलते हैं, आप हाँ सर। टूर्नामेंट भी जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि TFG में क्या खास है, या फिर TFG में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो जी आपको आपकी क्या राय है TFG के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे फेवरेट चीज जो TFG में लगी वो थी सिक्स टीम्स के प्लेयर। पहली बात तो कि सिक्स प्लेयर के हम लोग टीम बना सकते हैं, इसमें जरा थोड़ा तामझाम नहीं रहता। दूसरी चीज मुझे सर इसके जो तो प्लेइंग जो वाइल्ड कार्ड्स हैं उसका मुझे काफी बड़ा एडवांटेज मिला है, मैंने खुद ही पर्सनली फील किया है कि इसका काफी अच्छा एडवांटेज मिला है। और जो यूजर्स हैं मुझे उम्मीद है कि उनको भी इस चीज का, जब उनको इस चीज की बेसिक्स नॉलेज होगी तो उनको भी इस चीज का एडवांटेज देखने को मिलेगा सर। और इम्प्रूवमेंट के साथ बात करूं तो मेरे सजेशन में प्रिडिक्टर टाइप का सर कुछ लाया जा सकता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी टीम पे भी प्रिडिक्ट कर सकें जो फैंटसी यूजर्स हैं। अच्छा, ये जरूर मैं अपनी टीम को बताऊंगा, और जी आप ऐसे ही खेलते रहिए TFG में, लोगों को बताते रहिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं TFG में खेलने की। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस, कि आप और भी जीते और हमारी दोबारा बात हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, दीपक सर बिग फैन, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, बाय। यू सर, बाय बाय। तो मैं उम्मीद करता दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, हमारी दीपक चाहर जी से जो मुलाकात हुई, जो बातें हुई, आपने एंजॉय किया होगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों एक वाकई में एक क्रिकेटर फेस करता है, एक फास्ट बॉलर फेस करता है, या तो कोई भी दोस्तों अपोनेंट हो फेस करता है, तो वहाँ पे लेके कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही दोस्तों इंडियन क्रिकेटर से हम यहाँ पे आपके लिए इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे, तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल फैंसी हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।